सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जितने भी हमारे पुराने दर्शक हैं, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का जो आप हमें इतना प्यार देते हैं। और जितने भी नए लोग हमें देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, लेकिन समय की कमी होने की वजह से हम आजकल अपने शूट्स पोस्टपोन कर चुके हैं। बट इसी बीच हमने सोचा क्यों ना ऐसी सीरीज चलाई जाए जिसमें बजट के हिसाब से लोगों को गाड़ियां बताई जाए, क्योंकि गाड़ी खरीदते समय इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है। बजट डिसाइड हो जाता है, डाउन पेमेंट डिसाइड हो जाती है, लोन अमाउंट डिसाइड हो जाती है, लेकिन जब तक वो गाड़ी ले नहीं लेता वो कंफ्यूज रहता है। यहाँ तक कि लोग गाड़ी लेने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये हमने क्या ले लिया। तो आप सभी की कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने बहुत सारे बजट सेगमेंट, 6 लाख की गाड़ी, 8 लाख है तब कौन सी गाड़ी, 10 लाख है, 12 लाख है, तो ऐसे ऐसे आपके सेगमेंट के लिए हर एक वीडियो बनाई है जिसमें गाड़ियों की अच्छाई बुराई डाली है। 15 लाख का सेगमेंट रह गया था, वो आज हम बना रहे हैं कि जिसका बजट 15 लाख या उससे नीचे है उसे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। इस वीडियो में कोई भी एक्स्ट्रा एडिटिंग और 3D एनिमेशन नहीं होगी, सिंपल होगी। कॉपी पेन लेके बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। आपके लिए कुछ गाड़ियां फिल्टर की है, उसमें से एक आप डिसाइड कर लेना। सबकी बुराई अच्छाई बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। पेशेंस इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि आराम से ही सारी गाड़ियों के बारे में बताया जाएगा। मुझे किसी प्रकार की जल्दी नहीं है और आप भी नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी पिछली वीडियोस को प्यार देने के लिए धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट कार अंडर 15 लाख बजट। जब भी इतना बजट बनेगा तो दो ऑप्शन मोटा मोटा आते हैं कि कॉम्पैक्ट एसयूवीज के टॉप मॉडल और मिड साइज एसयूवीज के बेस एज वेल एज मिड वेरिएंट्स आप ले सकते हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे कि ब्रीजा, नेक्सोन, XUV 3 EXO, वेन्यू, इनके टॉप मॉडल्स, या फिर क्रेटा सेल्टोस वाले मिड साइज सेगमेंट के बेस मॉडल या मिड वेरिएंट्स। तो मैंने आपके लिए फिल्टर की हैं 10 गाड़ियां। उन 10 गाड़ियों के बाद मैं आपको इनमें से भी फिल्टर करा दूंगा कि कौन सी लो। जो 10 गाड़ी फिल्टर की हैं वो है ह्यूंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर, फोक्स वैगन टाइगून, स्कोडा कुशाक, MG एस्टर, होंडा एलिवेट, XUV 3 EXO के कुछ वेरियंट्स और टाटा नेक्सोन के कुछ वेरिएंट्स, ये आपके लिए फिल्टर कर दिए गए हैं। पर अब शुरू करते हैं क्रेटा सेल्टोस की अच्छाई और बुराई से। जब इतना बजट बनेगा तो दो तरह के इंजन के ऑप्शन आपको मिलते हैं, पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ले लो या टर्बो ले लो। जो आपका बजट है इसमें क्रेटा और सेल्टोस के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आते हैं। 1.5 लीटर का इंजन मिलने वाला है। इंजन में रिफाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, गियर शिफ्टिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम पावर 113 BHP और टॉर्क 144 न्यूटन मीटर की देता है, जो कि ठीक है ना। आपको अंडर पावर फील होगी वो, और ना ही आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी उड़ रही है। इंजन रिफाइनमेंट के साथ साथ स्मूदनेस, गियर शिफ्टिंग और गाड़ी का ऑल ओवर NVH लेवल काफ़ी कंट्रोल्ड है। माइलेज बता दूँ, क्रेटा और सेल्टोस में से अगर कोई गाड़ी लेते हो, पहले तो ये जान लो कि ये दोनों एक ही इंजन यूज़ करती हैं। अपर लेवल पे गाड़ियाँ इकट्ठे ही काम करती हैं टेक्नोलॉजी पे, मार्केट में अलग अलग एक दूसरे को कम्पीट जान के करते कि कोई क्रेटा नहीं ले रहा तो सेल्टोस ले लेगा, फ़ायदा काट पीट के नहीं कोई है सारा। माइलेज सिटी में क्रेटा पेट्रोल आपको 10 तक का ही देगी, कोई इससे ज़्यादा भी निकाल सकता है, बट जनरली 10-11 का मैक्सिमम माइलेज, और हाईवे पे 14-15 का माइलेज ये आपको दे देगी। और बाकी गाड़ियाँ भी कहीं ना कहीं आसपास ही देती हैं, सबकी बताऊँगा। तो माइलेज वैसे पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है सबका, कौन कैसे गाड़ी चलाता है, सिटी में कितना ट्रैफिक है, क्या ड्राइविंग हैबिट्स है उस पर। गुड लुक्स हैं दोनों गाड़ियों की, दोनों गाड़ियाँ फीचर्स भी सही प्रोवाइड करती हैं। आफ्टर सेल सर्विस भी दोनों गाड़ियों की अच्छी है। रीसेल वैल्यू भी इन दोनों गाड़ियों की बहुत अच्छी है।
मतलब हर चीज में अच्छी है, टॉप सेलिंग भी रहती है ये काफी दिनों। लेकिन जो इनमें प्रॉब्लम है, या मेजर प्रॉब्लम मैं बताऊं, क्रेटा और सेल्टोस के जो फेसलिफ्ट से पहले वाले वेरिएंट्स हैं उनकी 3-3 स्टार रेटिंग थी, यानी कि बिल्ड क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क। 15 लाख भर के भी आप 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग की गाड़ी ले रहे थे। फेसलिफ्ट आया है, अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन बिल्ड क्वालिटी को लेकर श्योरिटी नहीं है अभी भी कि 5 स्टार है या कितनी है। शायद अभी भी वही बिल्ड क्वालिटी है जो पहले थी, यानी कि 3 एंड 3 स्टार्स। तो इतनी बड़ी गाड़ी में आपको 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, सब कुछ अच्छा है। अगर इसकी सेफ्टी रेटिंग बहुत अच्छी आ जाती है, या आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी फील होती है चलाने में, देखने में, टेस्ट ड्राइव्स में, तो आप इसका डिसीजन बनाना। नेक्स्ट आते हैं ग्रैंड विटारा एज वेल एज टोयोटा हाई राइडर। ये भी आपको 1.5 लीटर के इंजन दे रहे हैं, 4 सिलेंडर है जैसे क्रेटा सेल्टोस देती है, रिफाइनमेंट है इनके इंजन में, लेकिन पावर के मामले में ठीक ठाक है, यानी कि एवरेज है। 102 bhp मैक्सिमम पावर और 137 Nm का टॉर्क है, जो कि ठीक ठाक है, या यूं बोलूं कि कम ही है सेगमेंट के हिसाब से। मिड साइज सेगमेंट में सबसे कम बात करें तो यही देती है। लेकिन यहाँ एक फायदा है कि माइलेज अच्छी मिल जाती है, सीएनजी के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, 12 से 14 के बीच सिटी के अंदर ये गाड़ियाँ माइलेज दे देती हैं, क्योंकि इनके अंदर स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। हाईवे पे आपको 16 से 18 का माइलेज इजिली मिल जाता है, लोग इससे ज़्यादा भी निकाल रहे हैं। तो आप हाई राइडर लें या ग्रैंड विटारा लें, ये भी दोनों इकट्ठे ही काम करती हैं और इकट्ठी ही अच्छे से मर्जर है इनका भी, सेम टेक्नोलॉजी ये दोनों यूज़ करती है। जैसे क्रेटा सेल्टो सेम यूज़ करती है, ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर सेम है, और फोक्स वैगन टाइगुन और कुशाक ये दोनों सेम है। ये सारी कंपनीज मिलके काम करती हैं, एवरेज के मामले में अच्छी है, लेकिन इसका इंटीरियर ठीक ठाक है, ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। गाड़ी बिग इन साइज और स्पेशियस है सेगमेंट के हिसाब से, वेरी लो मेंटेनेंस है, इनका ज़्यादा खर्चा नहीं है इनको मेंटेन करने का, सर्विस कॉस्ट भी ठीक ठाक है, रीसेल वैल्यू इन दोनों की काफ़ी अच्छी है। लेकिन नेगेटिव यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं जो कि श्योर है, पुअर बिल्ट क्वालिटी। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल है जिसमें ग्रैंड विटारा के एक्सीडेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रैंड विटारा पुअर बिल्ट क्वालिटी कैरी करती है, हाई राइडर इससे थोड़ी सी बेटर बिल्ट क्वालिटी हो सकती है कि वो कैरी करती हो, बट इंजन दोनों के सेम है। स्टेबिलिटी हाई स्पीड पे दोनों गाड़ियों की ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि ठीक ठाक है। काट पीट के 210 mm की दोनों गाड़ियाँ ग्राउंड क्लियरेंस दे रही हैं, लेकिन ऑल ओवर गाड़ियाँ आपकी नीड्स को फुलफिल करती है, बाकी चीज़ें इसमें ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं है। माइलेज अच्छी देती है, और सीएनजी में भी 25 से 28 का माइलेज पर केजी किलोमीटर पे दे देती है। इसके बाद बात करते हैं ऐसी गाड़ी जो आपको टर्बो इंजन देगी इस बजट में, यानी कि फोक्स वैगन की टैगून और स्कोडा की कुशाक दोनों गाड़ियां एक है। देखने में दोनों गाड़ियां कॉम्पैक्ट एसयूवी के साइज की लगती है, लेकिन इन्हें मिड साइज सेगमेंट में रखा जाता है इनकी प्राइस रेंज की वजह से। 1 लीटर इंजन यानी कि 1000 cc का टर्बो इंजन 3 सिलेंडर मिलता है। अब कहोगे कि बाकी गाड़ियां तो जी 1500 cc दे रही हैं, ये 1000 cc दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे ना जर्मन टेक्नोलॉजी है। जर्मन टेक्नोलॉजी होने के साथ आप विश्वास नहीं करेंगे कि सेगमेंट में बहुत पावरफुल बन जाती है गाड़ी। 114 Nm का सॉरी 114 bhp की मैक्सिमम पावर और 178 Nm का दोनों गाड़ियां टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि क्रेटा सेल्टोस हाई राइडर और सेगमेंट में बाकी गाड़ियों से काफ़ी अच्छा है, चाहे 1000 cc इंजन हो। 3 सिलेंडर इंजन है इसलिए रिफाइनमेंट थोड़ी कम है, और ऊपर से इंजन टर्बो है, टर्बो इंजन रिफाइनमेंट कम प्रोड्यूस करता है, NVH लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इंजन शोर ज़्यादा मचाता है, लेकिन पावरफुल पूरा है। माइलेज की बात करें तो टर्बो इंजन है इसलिए सिटी में 10 से 12 का माइलेज, लेकिन हाईवे पे 17-18 का माइलेज इजीली ये गाड़ी दे देती है। 20 तक का माइलेज मेरे दोस्त इन गाड़ियों से निकाल रहे हैं,
जब ये गाड़ियां रवा हो चुकी हैं, 20-30 हज़ार किलोमीटर चल चुकी हैं, तो उनको अच्छा माइलेज दे रही है। कुछ कुछ ट्रिक्स होती है इन गाड़ियों को, टर्बो इंजन को अच्छे से चलाने की। अगर इनको लो आरपीएम पे चलाते हो, 2000 से नीचे आरपीएम रखते हो, तो ये अच्छी माइलेज दे देते हैं, और ये उन्हीं में से एक है। 1 लीटर इंजन इनका फ्यूल एफिशिएंट भी है, और कईयों को ये माइलेज बिल्कुल नहीं देती, लेकिन वो बिल्कुल शुरू की बात है, शुरू में ये माइलेज नहीं देती, बाद में इंजन माइलेज देते हैं। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, यानी कि चाइल्ड एज वेल एज एडल्ट दोनों में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, बहुत सेफ है गाड़ी। एक्सीडेंट होने के बाद भी इंसान कहीं ना कहीं बच जाता है। सस्पेंशन इस गाड़ी का थोड़ा हार्ड है, स्टिफर साइड पे है, जो हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी देता है, लेकिन शहर के अंदर आपको चुभता है, गड्ढे महसूस होते हैं, ब्रेकर महसूस होते हैं इन दोनों गाड़ियों में। इन गाड़ियों के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, या नेगेटिव पॉइंट थोड़े ज़्यादा हैं। पहली बात तो ये गाड़ी वही ले जो कार एंथुसियास्ट है, जिसको गाड़ी भगानी है, 100-150 अच्छी स्पीड्स पे गाड़ियाँ भगानी है, सेफ रहना है, उनके लिए गाड़ी है। इसके स्पेयर पार्ट काफ़ी महंगे हैं, इसकी सर्विस कॉस्ट भी महंगी पड़ती है। इसमें स्पेस कॉम्पैक्ट है, रियर में भी थोड़ा, 3 लोग बैठते हैं तो उनके कंधे आपस में भिड़ते हैं, और टैथरिंग रेटलिंग के गाड़ी के अंदर नॉइसेस आ जाते हैं, यानी कि एस्थेटिक्स पे भी काफ़ी कम काम हो रखा है, प्लास्टिक बजता है गाड़ी के अंदर। इसको आप सिर्फ शोरूम से मेंटेन कर सकते हैं, आउटसाइड इस गाड़ी में ना आप काम करवा सकते हैं, ना इसको दिखा सकते हैं, नहीं तो इनकी वारंटी वॉइड होने के बाद ये ठीक भी नहीं होती, और इनका स्पेयर पार्ट काफ़ी महंगा है। तो फोक्स वैगन टाइगुन और स्कोडा कुशाग उन्हीं के लिए, जो कार एंथुसियास्ट और जर्मन गाड़ियों से जिनको प्यार है, मुझे पर्सनली बड़ा प्यार है। मुझे टाइगुन का एक 1 लीटर में जीटी वेरिएंट न्यूली लॉन्च्ड है, मुझे वो बहुत पसंद है, और मेरी आशा है, उम्मीद है कि मैं अपने जन्मदिवस पर जल्द ही वो गाड़ी ले लूँ। होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर दोनों अलग अलग गाड़ियाँ हैं। होंडा एलिवेट के बारे में पहले बात करते हैं। ये भी 4 सिलेंडर इंजन, 1500 cc नेचुरल एस्पिरेटेड देती है, 119 bhp मैक्सिमम पावर, 145 Nm का टॉर्क। इंजन ठीक है, रिफाइंड है, रिलायबल है, होंडा का है, इंजन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, NVH लेवल मेंटेन्ड है, लेकिन इसके रेविंग की साउंड काफ़ी ज़्यादा आती है अंदर, किसी को वो अच्छी लगती है, किसी को वो बुरी लगती है। इसकी रेव साउंड बहुत ज़्यादा है, जो है होंडा एलिवेट ले रखे हैं उनको पता होगा। माइलेज इसकी ठीक ठाक है, 10 से नीचे का माइलेज चलता है इसका सिटी के अंदर, 10 तक का। हाईवे पे 14 का माइलेज दे देती है, इससे ज़्यादा माइलेज मैंने तो नहीं सुना मेरे कोई नॉन में ले रहा हो या दे रहा हो। जितनी भी गाड़ियां मैं अब तक आपको बता रहा हूँ, वो सारी गाड़ियां मैंने खुद चलाई हैं, ओनरशिप रिव्यूज चैनल पर अवेलेबल है, उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता पा रहा हूँ, और सिर्फ नॉलेज ही नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। टाइम पास भी हम करने की नहीं कोशिश कर रहे, कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी टाइम है उसमें नॉलेज चलती रहे। इंजन काफ़ी रिलायबल है, गाड़ी प्रीमियम है, 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। बोनेट गाड़ी का इतना अच्छा विजिबिलिटी देता है, साफ दिखता है, मज़ा आता है इसको चलाने में। इतनी हाई ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद भी गाड़ी स्टेबल है, अदरवाइज बहुत बॉडी रोल क्रिएट हो जाता है, इसमें इतना बॉडी रोल नहीं है। माइलेज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, फीचर थोड़े से इसमें प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो होंडा एलिवेट जिसको एक क्लास प्रोडक्ट चाहिए, होंडा की गाड़ी चाहिए, वो होंडा एलिवेट ज़रूर ले। इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो पहले तो इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी फील होती है, बिल्ड क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड, बट होंडा एलिवेट बाजार में आने में काफ़ी देरी कर चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट में जगह नहीं बना पा रही। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, एक माइलेज ठीक ठाक है इसकी या कम है, अदरवाइज गाड़ी टॉप नॉच है, फीचर अपने कॉम्पिटिटर से थोड़े कम प्रोवाइड करती है। अदर देन दैट फीचर आजकल होंडा एलिवेट पर डिस्काउंट विस्काउंट अच्छा मिल रहा है, तो जाके देख सकते हैं, ज़रूर कंसिडर करें होंडा एलिवेट को, बड़ी ही अच्छी प्यारी कार मुझे लगती है। हर चीज सही है, बस ये अपनी जगह नहीं बना पाई क्योंकि लेट हो गई, अदरवाइज SUV स्टांस एक नंबर का, ये कार चलाने में फील होती है कि एक SUV है। MG एस्टर, MG यानी कि चाइनीज चाइनीज, लोग इसे चाइनीज चाइनीज बोलते हैं, लेकिन नई इंडिया की कंपनी के साथ इसका मर्जर है, तो आप उसे भी मद्देनजर रखें। 1.5 लीटर का इंजन, जो मैक्सिमम पावर 108 bhp और टॉर्क 144 Nm के निकालता है, इसका इंजन ठीक ठाक परफॉर्म करता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं फील होता, बट
माइलेज नहीं है तो बहुत ऐसे तेल पीती है जैसे पानी पीता कोई, तेल बहुत पीती है। 9-10 की सिटी के अंदर माइलेज देती है, हाईवे पे 13-14-12 ऐसे ही चलती है। कई लोग कहते हैं कि हम MG से माइलेज निकालते हैं, वो वंस इन अ ब्लू मून होता है कि कभी कभी उन्होंने हाईवे पे 80 की स्पीड पे क्रूज कर दिया और माइलेज इससे अच्छी निकाल ली और फिर बोल दिया मैं निकालता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। बट इन जनरल ज़्यादा अच्छी माइलेज ये देती नहीं, सोच सोच के चलाओगे तो माइलेज देगी, अदरवाइज इतनी अच्छी माइलेज देती नहीं। माइलेज से कॉम्प्रोमाइज करना तब बनता है जब आपको गाड़ी बहुत तगड़ी पावर देती है। कि माइलेज नहीं मिल रही कोई बात नहीं, पावर तो मिल रही है ना। लग्जरी है सेगमेंट में सबसे लग्जूरियस एक्सटीरियर एज वेल एज इंटीरियर प्रोवाइड करती है। इसका फ्रंट ग्रिल देखोगे इतनी प्यारी है, इंटीरियर में बेस वेरिएंट ले लो उसमें भी सॉफ्ट टच है। गाड़ी काफी मजेदार है, फीचर से लोडेड है, टैथरिंग रेटलिंग के गाड़ी में नॉइस नहीं आते, बॉडी रोल भी ज्यादा गाड़ी में नहीं है, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग कैरी करती है, अच्छी गाड़ी है। MG एस्टर भी और MG हेक्टर भी, लेकिन यहाँ पे वेरी पुअर रीसेल वैल्यू, बहुत पुअर रीसेल वैल्यू है, स्पेयर पार्ट भी एक्सपेंसिव है। एंड अगर बात करें ना गाड़ी की, ना रीसेल वैल्यू तो कम है ही है, इसकी रिलायबिलिटी की अभी श्योरिटी नहीं है कि ये कितनी रिलायबल है। कंपनी को भी कई साल, बहुत साल नहीं हुए ना अभी अपनी इंडियन मार्केट में, तो इसकी रिलायबिलिटी को लेके थोड़ा इश्यू है। जब इसके लोग टॉप वेरिएंट्स लेते हैं जैसे MG हेक्टर टाइप, MG ग्लोस्टर, लोग पहाड़ों में ले जाते हैं या पानी ज़्यादा में ले जाते हैं तो बंद हो जाती है, कमियां पता नहीं चलती क्या आ रही है, फीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि वो लैग करने लग जाते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स मिलती है, तो कहीं ना कहीं अभी इसकी रिलायबिलिटी पे थोड़ा इशू है। इसके बाद XUV 3XO का AX5L यानी कि AX5 लग्जरी वेरिएंट से अबव जो वेरिएंट हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि ये कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट है, लेकिन 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन दे रहा है जो मैक्सिमम पावर 129 BHP और टॉर्क 230 Nm, यानी कि अपने सेगमेंट को तो छोड़ो, उसको तो पछाड़ा ही पछाड़ा है, उससे बेटर सेगमेंट्स में भी इतनी अच्छी ये पावर दे रही है। मिड साइज SUV में भी सेगमेंट में इतना नहीं पावर मिल रहा जितना ये दे देती है, यानी कि इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल, स्टेबल है गाड़ी, फीचर दे रही है जैसे कि पेनारोमिक सनरूफ, 15 लाख से नीचे के बजट में आपको पेनारोमिक सनरूफ मिल रहा है। लेकिन हर चीज मिलने के साथ साथ वही ये चांद में भी दाग है, इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो कि बहुत मेजर नहीं है, कहीं जगह है कहीं जगह नहीं है। अगर आप XUV 3XO लेना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी बुकिंग को लेकर, इसकी डिलीवरी को लेकर, इसकी आफ्टर सेल सर्विस को लेकर अभी ग्लिचेज हैं, अभी इश्यूज हैं जो कि रिसोल्व होने चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। अदर देन दैट गाड़ी लेना बिल्कुल बनता है, आपको बहुत सारे फीचर देती है 15 लाख के बजट में। इसके बाद अब एक कंक्लूजन की बात करते हैं कि भैया किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, किसको कौन सी नहीं। जिसको तो अच्छे लुक्स और अच्छे फीचर्स एंड प्रीमियमनेस चाहिए वो क्रेटा सेल्टोस ले, जिसको माइलेज ज़्यादा चाहिए मिड साइज SUV में वो ग्रैंड विटारा टोयोटा हाईराइडर ले, ज़्यादा रनिंग है तो इसके CNG वेरियंट ले, जिसको 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और पावरफुल टर्बो इंजन चाहिए वो स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन के 1 लीटर इंजन ले इस बजट में, जिसको होंडा का प्रोडक्ट लेना है, क्लास प्रोडक्ट लेना है वो होंडा एलिवेट ले। ये अलग ही कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको एक अलग ही क्लास, जैसे होंडा सिटी वाले लोग हुआ करते थे, होंडा एलिवेट वो लें। जिसको लग्जरी चाहिए, प्रीमियमनेस चाहिए वो MG एस्टर ले, लग्जरी मतलब टॉप नॉच लग्जरी चाहिए, फीचर चाहिए, मजा आना चाहिए वो ले। जिसको पावर भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए और फीचर भी चाहिए, पैनोरामिक सनरूफ भी चाहिए, वो XUV 3XO का AX5 लग्जरी से अबव वेरिएंट ले। और जिसको मोटा मोटा मैंने बता दिया है, 15 लाख के सेगमेंट की गाड़ियां मैंने आपको आज बताई हैं, हम किसी चीज़ में गलत भी हो सकते हैं, किसी चीज़ में सही भी हो सकते हैं,
लेकिन हमें जितना एक्सपीरियंस है हमने कोशिश की है उसको एज इट इज नो फिल्टर साहब के साथ शेयर करने की। बहुत ही जल्द समय की पूरी जब हमें फैसिलिटी मिल जाएगी, अपने दिनचर्या और काम से हम फ्री होने लग जाएंगे, हमारा सीजन पीक वाला थोड़ा चला जाएगा, फिर हम गाड़ियों के बैक टू बैक शूट्स करेंगे। सीएनजी बाइक न्यूली लॉन्च हुई है, उसका अवेलेबल है रिव्यू, जाके उसे प्यार दें, देखें। सीएनजी बाइक वर्सेस ईवी स्कूटर एक ट्रेंडिंग है, इनके करे हुए हैं। और सारी लग्जरी गाड़ी जैसे ओडी, रेंज रोवर, ऑल्टो, हर एक गाड़ी का रिव्यू चैनल पर अवेलेबल है। और बहुत जल्द आपके लिए बहुत ही नए रिव्यूज अवेलेबल होने वाले हैं, बैक टू बैक नॉन स्टॉप, क्योंकि जब कम बैक करेंगे तो तगड़ी तरह से करेंगे, हनी सिंह की तरह। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी भी मदद होती रहे और मुझे भी मजा आता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना, पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप पे डीएम कर देना, वहां पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।